नागिन सीजन 5 के आने वाले एपिसोड के अपडेट के साथ एक बार फिर हम आप सभी दर्शकों के सामने हाजिर है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में जादुई दरवाजे के बारे में आप सभी दर्शक जानेंगे, जिस जादुई दरवाजे को खुलते ही बहुत बड़े बड़े राज आने वाले हैं आप सभी दर्शकों के सामने। और आज के इस खास रिपोर्ट में हम आपको यही बात बताएंगे और साथ ही साथ आप सभी दर्शक जानेंगे कि वीर और बानी के बीच में नजदीकियां और भी बढ़ते जाएंगी और साथ ही साथ वीर से अपने प्यार का इजहार करते हुए नजर आएगी बानी। ये सब चीजें कैसे होने वाला है और साथ ही साथ उस जादुई के पीछे वीर की माँ है, अगर है तो आखिर किस वजह से वीर की माँ को वहां पर रखा गया है, ये सारी की सारी बातें हम आपको आज के इस खास रिपोर्ट में पूरे विस्तार से बताने वाले हैं दोस्तों। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आने वाले एपिसोड में एक जोरदार और जबरदस्त सा ट्विस्ट आने वाला है और साथ ही साथ सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये होने वाली है कि अब वीर जो है बानी से और भी ज्यादा मोहब्बत करेगा और साथ ही साथ बानी की जान जब जब खतरे में पड़ेगी तब तब वीर सामने आएगा और साथ ही साथ वीर जो है बानी की जान को बचाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वीर को समझ में आ गया है कि जय एक धोखेबाज है, जय जो है सबसे बड़ा राक्षस है और साथ ही साथ अपने मंसूबों को कामयाब बनाने के लिए वो बानी को भी अपने रास्ते से हटाना चाहता है, इस बारे में पता चल चुका है वीर को। और जो है वीर जो है अब बानी की जान को बचाता हुआ नजर आएगा और वीर की केयर को देखकर बानी जो है उससे सच्ची मोहब्बत कर बैठेगी और साथ ही साथ जय को भुला बैठेगी और वीर से अपने प्यार का इजहार करते हुए नजर आएगी। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जब जादुई दरवाजे के बारे में आप सभी दर्शक जानेंगे और जादुई दरवाजा जैसे ही खुलेगा एक नई पहेली आप सभी दर्शकों के आंखों के सामने आएगी। अब तक शो में नागमणि का जो ट्विस्ट है वो अब तक नहीं आया है, लेकिन हम आपको बता दें कि नागमणि की कहानी, नागमणि को लेकर सबसे बड़ी जंग लड़ी जा रही है चीलों और साथ ही साथ इच्छाधारी नाग नागिनों के बीच में, जहां पर इच्छाधारी नाग नागिन जो है नागमणि के सुरक्षक हैं, यानी कि नागमणि के सबसे बड़े रक्षक हैं, तो वहीं चील परिवार वाले यानी कि जितने भी बलवंत सिंघानिया के जितने भी चेले चपाटे लोग हैं वो हर कोई जो है नागमणि को पाना चाहता है सिवाय वीर के, क्योंकि वीर के पास कुछ ऐसा वरदान है, वीर के पास ऐसी शक्ति है जिस वजह से वीर को सतयुग में बलवंत सिंघानिया जो कि आकेश था, वीर आकेश को रोशनी से बचा रहा होता है बलवंत सिंघानिया, और इस जन्म में यानी कि कलयुग में जो है वो अब भी रोशनी से बचाना चाह रहा है। और साथ ही साथ बहुत सारे ट्विस्ट भी आने वाले हैं। वीर की माँ एक नागिन है, एक इच्छाधारी नागिन है और उस दरवाजे के पीछे वो वीर की माँ ही है। और साथ ही साथ हम आपको बता देना चाहते हैं कि वीर की माँ जो है जैसे ही आएंगी नागमणि का सबसे बड़ा ट्विस्ट आएगा और जब तक वीर की माँ नहीं आ सकती तब तक जो है शो में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाए जाने वाले हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जिस जादुई दरवाजे के बारे में बीते एपिसोड में आप सभी दर्शकों ने देखा, जब बानी अपनी सारी की सारी ताकतों का इस्तेमाल कर देती है उस दरवाजे को खोलने के लिए, क्योंकि बानी को समझ में आ चुका है कि उस दरवाजे के पीछे कोई ना कोई एक ऐसा शख्स है और साथ ही साथ उस दरवाजे को खोलने का प्रयास करती है, लेकिन अपनी सारी की सारी शक्तियां लगाने के बावजूद भी बानी जो है उस दरवाजे को खोल नहीं पाती। उस दरवाजे को कौन खोलेगा, तो हम आपको बता दें कि वीर ही खोलने वाला है, वीर ही अपनी माँ के पास पहुंचेगा। और साथ ही साथ उस दरवाजे की एक खासियत है, उस दरवाजे जो जादुई दरवाजा है वो जादुई दरवाजा इसीलिए भी खास हो जाता है क्योंकि चील खानदान के हर एक सदस्य जो है अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, अपनी सारी की सारी ताकतों का इस्तेमाल करके वो दरवाजा बनाए हुए होते हैं, वो कोई आम दरवाजा नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ वीर ही खोल सकता है, एक चील ही खोल सकता है। वेल दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप सभी दर्शक ये सब चीजें देखने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप सभी दर्शक ये सारे के सारे ट्विस्ट को देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट के थ्रू आप हमें जरूर बताएं दोस्तों।